हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिपुरुष मूवी के ट्रेलर के बारे में, जिसने बहुत कंट्रोवर्सी के सामना करने के बाद अब अपनी फाइनल ट्रेलर रिलीज कर चुका है। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आदिपुरुष मूवी के बजट 500 करोड़ है और मूवी 16 जून को रिलीज होने वाला है। अब ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में जो फाइट सीन दिखाया गया है उसे देखकर आपको डार्क नाइट या फिर एवेंजर इन गेम की क्लाइमैक्स फाइट की सीन याद आने वाली है अंधेरा की वजह से। और हमारे रामायण में नेचर की जिस तरह से वर्णन हुआ है, अगर VFX के जरिए मूवी में ऐसे फॉरेस्ट और नेचर की सीन दिखा पाए तो थिएटर में बवाल मचने वाला है, जैसे बाहुबली मूवी की एक सीन में हुआ था, वो माउंटेन वाला। दूसरी बात, ट्रेलर में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। अगर मूवी के अंदर लक्ष्मण और रावण के बेटे इंद्रजीत की एक बैटल हो जाए तो मूवी की इनकम आसमान छूने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है रामायण में जितने सारे योद्धा थे सबसे ज़्यादा मायावी और खतरनाक इंद्रजीत था, और उन दोनों की फाइट को VFX में देखने की मजा ही कुछ और होगा। ट्रेलर में रावण जब सीता मैया को छल करके लेकर जा रहा था उसे देखकर पर्सनली मुझे इन्फिनिटी वॉर की डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक ऑर्डर की याद आ गया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर जाता है। तीसरी बात, ट्रेलर में जो लंका दिखाया गया है उसे देखकर व्यूअर्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के लंका बहुत खूबसूरत हुआ करता था और वो सोना का था, इसलिए स्वर्ण लंका कहते थे। ट्रेलर में जो बानर सेना की फाइट सीन दिखाया गया है उसे देखकर कहीं ना कहीं हमें जुमंजी और द लीजेंड ऑफ द टार्जन मूवी की थोड़ा बहुत याद आ जाएगी। मैं इस मूवी के कंपेयर किसी और मूवी के साथ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ मूवी के अंदर जो सीन है वो कुछ परसेंटेज तक तो इक्वल है। और आते हैं मूवी के अट्रैक्टिव पार्ट के और मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉन्ग और डायलॉग वो ही लोगों को थिएटर तक खींच कर ले जाएगी। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, मूवी हिट होगा या फ्लॉप होगा। तब तक के लिए रहते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।